आज आप लोग बताइए हम बना क्या रहे हैं। जब तक आप लोग सोचिए क्या बना रहे हैं, समझिए, तब तक हम चलिए आप लोगों को पानी का नज़ारा दिखाते हैं। रात का समय है, पूरा पानी बरस रही है, पूरा झमझम पानी बरस रही है और रात में वीडियो बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज मंचूरियन बना रहे हैं और पनीर का मंचूरियन। इसके लिए 200 ग्राम पनीर लिए, उसको कद्दूकस कर लिए, एक बॉल में डाल लिए। इसके बाद एक छोटा सा गाजर है, उसको कद्दूकस करके ऐड कर दिए। इसमें 2 हरा मिर्चा, इसको कटिंग करके मिक्स कर दिए। थोड़ा सा अदरक है, छोटा सा टुकड़ा, उसको कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिए। आधा चम्मच काला मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच अरारोट और 1.5 चम्मच मैदा। सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और आप होटल में बहुत बार खाए होंगे पनीर का मंचूरियन, लेकिन इस स्टाइल में नहीं खाए होंगे। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी मंचूरियन तैयार हुआ था, एकदम पूरा सॉफ्ट। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिए। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा और जब बना कर खाइएगा अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, छोटा छोटा बॉल जो है बना लेते हैं, जैसे मंचूरियन हम लोग वेज मंचूरियन बनाते हैं उसी तरह का इसका बॉल बना लेते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा जो आप लोग इस तरह से पनीर मंचूरियन बनाते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। सारा बॉल तैयार हो गया, गैस जला दिए, ऊपर पैन डाल दिए, 4 से 5 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दिए। तेल गर्म हो गया, उसमें एक एक करके जो हम बॉल तैयार किए हैं सबको उसमें रख देते हैं। और गैस जो है हाई फ्लेम ही रखेंगे। अभी पनीर वाला है तो अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो क्या होगा, वो टूटने का चांस रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको लो फ्लेम कर देंगे और इसको पलटाएंगे, एक एक करके इसको पलट देंगे। और अच्छी तरह से कलर जब आ जाएगी तब हमारा जो बॉल है पनीर का वो तैयार हो जाएगा। और इस पनीर मंचूरियन को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान बनाकर भी खा सकते हैं, पूरी परौठा के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इस तरह से बनाते हैं तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। पनीर का कोई भी आइटम बनाते हैं तो बच्चे लोग पसंद करते हैं। अगर इस तरह से बना कर दीजिएगा तो मीठा मीठा लगता रहता है मंचूरियन, बहुत बच्चे लोग पसंद करेंगे। अब उसी तेल में अदरक है, उसको कटिंग करके रखे थे, एक बड़ा प्याज है उसको कटिंग कर लिए थे, लहसुन जो है 5 से 7 कर लिए, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए थे, सबको इसमें ऐड कर दिए। एक हरी मिर्च थी उसको भी, और हल्का सा इसको कलर आने देते हैं प्याज। और एक छोटा सा मतलब आधा शिमला मिर्च घर में थी, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। मसाला में चिल्ली जो है, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक जो है वो आप स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अब 1 चम्मच अरारोट और थोड़ा सा पानी आधा कप, उसको मिक्स करके इसमें मिला देते हैं। और गैस जो है लो फ्लेम रखना है और चलाते रहना। हल्का सा मसाला पक गया, अब इसमें छोटा सा कटोरा से 1 कटोरा पानी ऐड कर देते हैं। जब तक हमारी जो ग्रेवी है मंचूरियन का वो बढ़िया से उबाल दे रही है, जब अच्छी तरह से उबल गई है अब इसमें क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं पनीर को जो हम बॉल बनाए थे।
हल्का सा चला देना, ज़्यादा तो चलाना नहीं। अब जो है मेरा पनीर मंचूरियन आपका रेडी हो गया। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से ऐड कर देते हैं। अब इसको आप अपना मन चाहा रोटी परौठा पूरी सब के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।